सीआईटी एनसीआरटी प्रेजेंट्स ट्रायलिंगल डिक्शनरी ऑफ ज्योग्राफी फॉर स्कूल्स भूगोल विद्यालयों के लिए त्रिभाषी शब्दकोश जोग्राफिया की लगत स्कूलों के लिए सहेल आसानी इंडेक्स लेटर ई अर्थ पेज थर्टी सेवन अर्थ डे पेज थर्टी सेवन Earth movement. Page 37. Earthquake. Page 37. Ebb tide. Page 37. Eclipse. Page 37. Ecliptic. Page 37. Eco development. Page 38. Ecology. Page 38. Ecological efficiency. Page 38. Ecological Pyramid. Page 38. Economic Geography. Page 38. Economy. Page 39. Ecosystem. Page 39. El Nino. Page 39. Electricity Generation. Page 39. Ellipse. Page 39. Emigration. Page 39. Endogenic. Page 39. Energy. Page 39. Environment. Page 39. Epicenter. Page 39. Equator. Page 39. Equatorial climate. Page 40. Equatorial rainforest. Tropical rainforest. Page 41. Equinox. Page 41. Erosion. Page 41. Escarpment. Scarp. Page 41. Estuary. Page 41. Eutrophic. Page 42. Eutrophication. Page 42. Evaporation. Page 42. Evapotranspiration. Page 42. Evergreen. Page 42. Exfoliation. Page 42. Exogenic. Exogenetic. Page 42. Exosphere. Page 43. Export. Page 43. Extensive agriculture. Page 43. Extensive irrigation. Page 43. Extinct volcano. Page 43. Extrusive igneous rocks. Page 43. I. Page 43. Now, let's move to letter E of the Dictionary of Geography, starting at page 37. E. Earth. The third planet from the Sun in the Solar System. It is a spheroid and moves on its axis once in about 24 hours. It orbits the Sun in 365 days and 6 hours. It appears blue from space due to presence of atmosphere and water. These conditions are also responsible for presence of life on this planet. See also Solar System Prithvi Saur Mandal Mein Suri Se Door tisra grah. ये एक गोलाब है और अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार घूमती है ये सूर्य के चारों ओर कक्ष में तीन दिन एवं छह घंटे में परिक्रमण करती है ये वायुमंडल एवं जल की उपस्थिति के कारण अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है यही दशाएं इस ग्रह पर जीवन की उपस्थिति के लिए उत्तरदायी हैं देखें तंत्र जमीन निज़ाम शमसी का तीसरा बड़ा सैारा ये कुर्र नुमा है और तकरीबन 24 घंटे में एक बार अपने महवर पर गर्दिश करती है ये तीन दिन और छह घंटे में सूरज के गिर्द घूमती है माहौल और पानी की मौजूदगी की वजह से ये खला से नीली नजर आती है इन्हीं के बायस इस सैारे पर जिंदगी पाई जाती है अर्थ डे टाइम टेकन बाई दर्थ अबाउट ट्वेंटी फोर आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सेस अर्थ डे या पृथ्वी दिवस पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूर्ण करने के लिए लिया गया समय लगभग चौबीस घंटे अर्जी दिन जमीन को अपने मेहवर पर एक गर्दिश करने में लगा वक़्त जो तकरीबन चौबीस घंटे का होता है अर्थ मूवमेंट एनी मूवमेंट ऑफ दी अर्थ क्रस्ट कॉज्ड बाय इंटरनल फोर्सिस दीज मूवमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स सडन अर्थ मूवमेंट्स कॉज अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक इराप्शंस स्लो अर्थ मूवमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोल्डिंग फोल्टिंग एंड अपलिफ्टिंग ऑफ रॉक्स ट्राटा पृथ्वी की हलचल भू पर पटी पर कोई भी गति जो आंतरिक बलों के कारण होती है ये गतियाँ दो प्रकार की होती हैं पृथ्वी की आकस्मिक हलचलों के कारण भूकंप एवं ज्वालामुखी उद्गार होते हैं पृथ्वी की मंद हलचलों के कारण वलन भ्रंश एवं शैल स्तर का उत्थान होता है हरकतें जमीन दाखिली ताकतों की वजह से कशरे अर्ज़ पर होने वाली कोई भी हरकत ये हरकतें दो तरह की होती हैं जमीन की अचानक हरकतें जलजलों और आतिशफिशा का सबब बनती हैं जमीन की सुस्त हरकतें चट्टानी परतों में शिकन दरार और उभार पैदा करती हैं अर्थक्वेक अ शॉक और सीरीज ऑफ शॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस कॉज्ड बाय सडन मूवमेंट ऑफ क्रस्टल रॉक्स इनसाइड साइड दी अर्थ भूकंप धरातल पर आने वाले एक या उससे अधिक प्रघात झटके के क्रम जो भूगर्भ में भूपरपटी शैलों की आकस्मिक गति से उत्पन्न होती हैं जलजला सतह जमीन की अंदरूनी कशरी चट्टानों के अचानक हरकत के सबब सतह जमीन पर झटकों और लर्जिशों का सिलसिला एपटाइड प्रिट्रीटिंग पावरफुल टाइडल कारंट इमिडिएटली आफ्टर द पीरियड ऑफ हाई टाइड भाटा उच्च ज्वार की अवधि के तत्काल बाद वापस लौटती शक्तिशाली ज्वार धारा तनजुली जजर ऊंचे मद्दोजर के वकफे के फौरन बाद वापिस होती हुई ताकतवर मद्दोजरी रॉ इक्लिप्स वन सेलेस्टियल बॉडी मूविंग इन टू द शैडो ऑफ अन्ना द There are two kinds of eclipses visible on the Earth the solar eclipse and the lunar eclipse. The maximum number of solar and lunar eclipses in a year are seven and the minimum is two. Solar A solar eclipse takes place when the moon lies in a line between the sun and the earth. A lunar eclipse takes place when the earth is positioned in a line between the sun and the moon. ग्रहण एक खगोलीय पिंड जब दूसरे पिंड की छाया के अंदर गतिमान होता है पृथ्वी पर दो प्रकार के ग्रहण दिखाई देते हैं सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण एक वर्ष में अधिकतम सात सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण एवं न्यूनतम दो सूर्य ग्रहण हो सकते हैं सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक सीध में आ जाता है चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी एक सीध में सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है ग्रहण गर्दिश करते हुए किसी जिसमें फलकी का हिस्सा किसी दूसरे जिसमें फलकी के साय में आ जाना जमीन पर नजर आने वाले ग्रहण की दो किस्में हैं एक सूरज ग्रहण और दूसरा चांद ग्रहण एक साल में सूरज और चांद ग्रहणों की तादाद ज्यादा से ज्यादा सात और कम से कम दो होती है सूरज ग्रहण उस वक्त वाकई होता है जब चांद जमीन और सूरज के दरमियान बिल्कुल सीध में आ जाए चांद ग्रहण उस वक्त वाकई होता है जब जमीन सूरज और चांद के दरमियान बिल्कुल सीध में आ जाए एक दाथ ऑफ द सन विच इज एक्चुअली सन द एक्लिप्टिक देर फॉर द प्लेन ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट प्रोजेक्टेड ऑन द सिलेस्ट फेयर क्रांतिवृत्त सूर्य का आभासी पथ जो वस्तुतः पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में गतिशीलता के कारण बना है अतः क्रांतिवृत्त पृथ्वी की कक्षा का तल है जो खगोलीय गोलक पर प्रक्षेपित है मदारे शमसी सूरज का जाहिरी रास्ता जो यकीनन सूरज के गिर्द जमीन के मदार में उसकी गर्दिश के सबब बनता है इसलिए मदार शमसी जमीन के मदार की सतह है जो कुर्र फलकी के नीम रुख पर होता है पेज थर्टी एट इको डिवेलपमेंट द प्रोसेस ऑफ डिवेलपमेंट ऑफ अ रीजन फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक एक्विटी सोशल हार्मनी एंड कॉन्जर्वेशन एंड रीजेनरेशन ऑफ डिग्रेडेड इकोसिस्टम एंड मेंटेनिंग इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी पारिविकास किसी प्रदेश के विकास की प्रक्रिया जो आर्थिक साम्य सामाजिक सामंजस्य निम्नकृत पारितंत्र के संरक्षण एवं पुनरुद्धार एवं पारिस्थितिक सतत पोषणीयता बनाए रखने पर केंद्रित है माहौलिया तरक्की किसी खत्ते को तरक्की देने का अमल जिसमें अकतदी मसावत समाजी हम आहंगी जवाल पजीर मालियाती निज़ाम के तहफ और उसकी बाज़ तख्लीक पर तो मरकूज की जाती है और मालियाती पायदारी को बरकरार रखा जाता है इकोलॉजी द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देर एनवायरमेंट पारिस्थितिकी Jivid Jivo evam unke pariavaran ke beach ke sambandhoka adhyayan. Mahaliyat. Namiyati adza aur unke mahal ke bahami rishtho kamutala. Ecological efficiency. The percentage of energy transferred from one trophic level to another. Which means from 5% to 20% depending on the types of organisms and environmental conditions. For example, in the terrestrial ecosystem, only 10% of energy on an average is transferred from one trophic level to another. The ability of the organisms of one trophic level to convert their own use of the potential energy supplied by their foodstuff at the trophic level directly below them. Parasthetic Dakshta Urja ke ek potion riti se. दूसरे में अंतरित होने की प्रतिशतता जिसका अर्थ है पांच से बीस प्रतिशत जो जीवों के प्रकार एवं पर्यावरणीय अवस्था पर निर्भर करती है उदाहरणतया स्थलीय पारितंत्र में औसतन केवल दस प्रतिशत ऊर्जा ही एक पोषण रीति से दूसरे में अंतरित होती है एक पोषण रीति के जीवों की क्षमता जो स्वयं के प्रयोग के लिए उनके सीधे नीचे के पोषण रीति के खाद्य पदार्थों से संभाव्य ऊर्जा उपलब्ध कराती है मालियाती कारदगी एक गजाई सतह से दूसरी गजाई सतह तक मुंतकिल होने वाली तवनाई का फीसद जो नामियाती अज्जा और माहौल के नौीयत के एतबार से पाँच फीसद से बीस फीसद तक होता है मसलन अर्जी माहौलियाती निज़ाम में औसतन सिर्फ दस फीसद तोानाई एक गजाई सतह से दूसरे गजाई सतह तक मुंतकिल होती है एक गजाई सतह की नामियाती अज्जा की सलाहियत जो बराह रास्त उनके नीचे की सतह पर उनकी गज़ा के जरिए फराहम करदा को अपने लिए मुमकिन इस्तेमाल में तब्दील करने की सलाहियत पैदा करती है इकोलॉजिकल पिरामिड Trophic levels of an ecosystem represented in the form of a pyramid each group of organism occupies a trophic or feeding level for example all green plants occupy the next trophic level while herbivores feeding on plants occupy the best trophic level carnivores feeding on herbivores are at the third trophic level

एक पोषी या भरण स्तर को अधिकृत करता है उदाहरणतया सभी हरित पौधे अगली पोषण रीति अधिकृत करते हैं जबकि शाकाहारी जो पौधों को आहार बनाते हैं वे सर्वोत्तम पोषण रीति को अधिकृत करते हैं मांसाहारी जो शाकाहारी पर भरण करते हैं वे तीसरी पोषण रीति में आते हैं ये स्तर पोषण रीतियां ऊर्जा सुलभता में समान नहीं हैं क्योंकि ऊर्जा का एक अंश ही निम्न से उच्च स्तर में अंतरित होता है अतः निम्नतर स्तर पर चौड़ा आधार होता है जो प्रत्येक अनुवर्ती स्तर पर घटता जाता है और पिरामिड का निर्माण करता है माहौलियाती एहराम किसी एक माहौलियाती निजाम की गजाई सतह को एहराम की शक्ल में पेश किया जाता है नामियाती निजाम का हर जुमरा मुकर्र मकदार या तगजियाई सतह का अहाता करता है मसलन तमाम सब्ज पौधे अगले तगजियाई सतह का अहाता करते हैं जबकि सब्जी खोर गज़ा हासिल करने वाले पौधों पर बेहतर जाई सतह का अहाता करते हैं गोश्त खोर सब्जी खोरों पर तीसरे गई सतह के होते हैं ये सतहें दस्तियाब तो के अतबार से मसावी नहीं होती क्योंकि तोानाई का मुख्तर हिस्सा ही नीचे से ऊपर की सतह तक मुंतकिल होता है इसलिए सबसे निचली सतह की बुनियाद वसी होती है जो एहराम की इस तरतीब में बाद की हर सतह पर घटता जाता है इकोनॉमिक जियोग्राफी द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी विच स्टडीज द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस रिसोर्सेज नेचुरल एंड ह्यूमन गुड्स एंड सर्विसेज देर ट्रांसपोर्टेशन एंड कंजम्पन इन रिलेशन टू नेचुरल एनवायरमेंट आर्थिक भूगोल भूगोल की वो शाखा जो प्राकृतिक पर्यावरण के संदर्भ में विभिन्न संसाधनों प्राकृतिक एवं मानव के स्थानिक वितरण माल एवं सेवाओं तथा उनके परिवहन एवं उपभोग का अध्ययन करती हैं माशी जोग्राफिया जोग्राफिया की वो शाख जिसमें कुदरती माहौल के ताल्लुक से मुख्तफ वसाइल कुदरती और इंसानी अशिया और खदम्त उनके नकलोहमल और इस्तेमाल के मकानी तकसीम का मतलब किया जाता है इकॉनमी सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग वेरियस एक्टिविटीज इन सोसाइटी यूजिंग इट्स नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्स टू प्रोड्यूस वेल्थ पेज थर्टी अर्थव्यवस्था समाज में विभिन्न क्रियाकलापों का संगठन एवं प्रबंध करने की व्यवस्था जिसमें उसके प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों का प्रयोग धन अर्जित करने के लिए किया जाता है मीषत किसी समाज के दौलत पैदा करने वाले कुदरती और इंसानी वसाइल की मदद से मुख्तलिफ सरगर्मियों की तंजीम और निगरानी का निजाम इकोसिस्टम It is an integrating system comprising all living organisms: plants, animals and microorganisms, and their environment in which they are linked by flow of energy and materials. The ecosystem of the Earth may be divided into two major types: aquatic and terrestrial. example: a pond, a forest. Paritantra. एक एकीकृत व्यवस्था जिसमें सभी जीवित जीव पौधे प्राणी एवं सूक्ष्म जीव एवं उनका पर्यावरण जिसमें वे ऊर्जा के प्रवाह तथा पदार्थों द्वारा जुड़े हुए हैं समाविष्ट हैं पृथ्वी के पारितंत्र को दो मुख्य प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है जलीय एवं स्थलीय उदाहरण के लिए तालाब वन माहौलियाती निजाम ये एक मजबूत निज़ाम है जो तमाम नामियाती अज्जा पौधे हवाना और नामियाती अज्जा और उनके माहौल पर जिसमें वो मादों और तवनाई की रवानी से मरबूत रहते हैं मुश्तमिल है अर्जी माहौलियाती निज़ाम को दो बड़े हिस्सों में बांटा जा सकता है आबी और अर्जी मसलन तालाब और जंगल जंगलो a phenomenon associated with the ocean atmosphere system across tropical regions which is cyclic in nature normally the trade winds blowing east west in the pacific ocean push large volume of water towards indonesian coast and cold upwelling along the peruvian coast periodically every 2 to 5 years there is a change in the wind pattern the trade wind weakens or reverses. The warm equatorial current extends along the Peruvian coasts replacing the cold Humboldt Peruvian current temporarily. As a result, sea surface temperature may increase by 10 degrees Celsius. The pressure gradient between the low pressure of the warm western tropical Pacific and high pressure of cold eastern tropical Pacific decreases. this results in rainfall in peruvian desert this phenomenon is called el nino or boy child because this occurs during christmas el nino ऊष्णकटिबंधीय प्रदेश में महासागर वायुमंडलीय निकाय से संबंधित परिघटना जिसका स्वरूप चक्रीय है सामान्यतया प्रशांत महासागर में पूर्व पश्चिम से बहती हुई व्यापारिक पवने प्रचुर मात्रा में जल को इंडोनेशिया के तट की ओर धकेल देती हैं और पेरूवियन तट के पास ठंडा उत्प्रवाह आ जाता है समय समय पर प्रति दो से पांच वर्ष पवन के प्रतिरूप में बदलाव आता है और व्यापारिक पवन निर्बल अथवा प्रतिवर्तित हो जाती है पेरू के तट के साथ साथ विस्तृत कोष्ण विषुवतीय धारा शीत हम्बोल्ट पेरू धारा को अस्थायी रूप से प्रतिस्थापित कर देती है इसके परिणामस्वरूप समुद्र तल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है कोष्ण पश्चिमी उष्ण कटिबंधीय प्रशांत के निम्न दाब एवं शीत उष्ण कटिबंधीय प्रशांत के उच्च दाब के बीच की दाब प्रवणता घट जाती है इसके परिणाम स्वरूप पेरू के मरुस्थल में वर्षा होती है इस परिघटना को एल नीनो चाइल्ड कहते हैं क्योंकि क्रिसमस के समय घटित होती है। एल नीनो ये खत्म हारा के जो नौयत के एतबार से गर्दिशी है बहरी माहौलियातीजाम से वाबस्ता है अमूमन बहरुल काहल में मशरक मगरब की तरफ चलने वाली तिजारती हवाएं जो पानी की बड़ी मकदार को इंडोनेशियाई साहिल की तरफ ढकेलती है और पेरू के साहिल पर सर्दी के सबब बनती हैं वक्फे वक्फे से हर दो से पाँच साल में हवा का निज़ाम बदल जाता है तजारती हवा कमज़ोर हो जाती है या उलट जाती है गर्म ख़त इस्तेवायी रॉ आर्जी तौर पर सर्द हम्बोल्ट पेरूयाई रॉ में बदलकर साहिल पेरू तक फैल जाती है नतीजतन समंदर के दर्जा हरारत में दस डिग्री सेल्सियस का इजाफा हो सकता है गर्म मगरबी ट्रॉपी की बहरुल काहिल के कम दबाव और सर्द मशरक़ी ट्रॉपी की बहरुल काहिल के ऊंचे दबाव के बीच दबाव घटता जाता है इसके नतीजे में पेरुयाई रेगिस्तान में बारिश होती है इस अमल को एलनीनो या बॉय चाइल्ड कहते हैं क्योंकि ऐसा क्रिसमस के दौरान होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वेरियस नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल of ऑफ एनर्जी as coal, पेट्रोलियम रनिंग water, टाइड विंड जियोथर्मल एटॉमिक मिनरल्स एंड द सन विद्युत उत्पादन विद्युत जो विभिन्न अनवीकरणीय तथा नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों से उत्पन्न की जाती है जैसे कोयला पेट्रोलियम प्रवाही जल ज्वार भाटा, पवन, भूताप, परमाणु खनिज एवं सूर्य बरकई तोलीद तवानाई के मुख्तलिफ नाकाबिल तजदीद और काबिल तजदीद जराय से बिजली पैदा करना मसलन कोयला पेट्रोलियम बहते पानी मद्दोजर हवा अर्जियाती हरारत जौहरी मादनियात और सूरज एलिप्स फ्लैटन सर्कल दबिट्स ऑफ मोस्ट सेलेस्टियल बॉडीज आर इलिप्सिस सी ऑल्सो सोलर सिस्टम दीर्घवृत्त एक चपटा वृत्त अधिकांश खगोलीय पिंडों की कक्षाएं दीर्घवृत्त हैं देखें स्ौर तंत्र बेजवी शक्ल एक मुस्तहदायरा ज्यादातर में फलकी के मदार बेजवी शक्ल के होते हैं मजीद देखें निजाम शमसी एमिग्रेशन, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम देयर नेटिव प्लेस और कंट्री टू अनादर टू लिव देयर परमानेंटली पेज फोर्टी उत्प्रवास लोगों का अपने मूल स्थान या देश से अन्य स्थान पर स्थायी रूप से रहने के लिए प्रस्थान तरके वतन लोगों का दायमी सुकूनत के लिए अपने आबाई मकाम या मुल्क से कहीं और मुंतिल हो जाना एंडोजेनिक द फोर्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम विद इन द अर्थ एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर लैंडफॉर्म्स अंतर्जनित बल जो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होते हैं और प्रमुख भू आकृतियों के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं वो कुतें जो जमीन के अंदर से उठती हैं और जिनकी वजह से अहम जमीनी शक्लें वजूद में आती हैं एनर्जी वन फिजिकल एबिलिटी टू वर्क टू द मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग मैकेनिकल मोटिव फोर्स और हीट और लाइट ऊर्जा एक कार्य के लिए भौतिक सामर्थ्य दो यांत्रिक प्रेरक बल अथवा ऊष्मा अथवा प्रकाश देने के साधन तोनाई एक काम करने की जिस्मानी सलाहियत दो मैकेनिकी कौतें मुहर्रिका या गर्मी या रोशनी फराहम करने के जराए एनवायरमेंट रिफर्स टू द सराउंडिंग्स इन इट्स टोटैलिटी विच कंप्राइजेज द होल सेट ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन बिल्ड सिस्टम्स इन विच ह्यूम एंड अदर ऑर्गेनिज्म लिव एंड इंटरक्ट विद ऑल कॉम्पोनेंट्स पर्यावरण एक ऐसा संपूर्ण परिवेश जिसमें प्राकृतिक एवं मानव निर्मित निकायों का संपूर्ण समूह समाविष्ट है इसमें मानव एवं अन्य जीव रहते हैं तथा सभी घटकों को प्रभावित करते हैं एवं प्रभावित होते हैं माहौल कुदरती और इंसानी निजाम पर मुश्तमिल गर्दोपेश का ऐसा मजमू माहौल जिसमें इंसान और दूसरे नामियाती अजा रहते हैं और तमाम अनासिर के साथ एक दूसरे से तामुल करते हैं एपिसेंटा द प्लेस ऑन द अर्थ सर्फिस

Being longest among all parallels of latitude, it is a great circle. It lies in a plane at right angle to the axis of the earth and has a value of 0 degree. The length of the equator is 40,068.66 kilometers. See also Antarctic Circle. Vishuvat Vritt Prithvi par ek kalpanik rekha जो दो ध्रुवों के बीचों बीच है यह अक्षांश सभी समानांतरों में सर्वाधिक लंबा बृहत् वृत्त है यह समतल पर पृथ्वी के अक्ष के समकोण पर स्थित है एवं इसका मान शून्य डिग्री है विषुवत वृत्त की लंबाई चालीस हजार अड़सठ दशमलव छ किलोमीटर है देखें एंटार्क्टिक वृत्तवा ज़मीन पर दो कुतबों के दरमियान वस्त में आने वाला ख़याली खत अर्जुल बलद मुतवाजियों में सबसे बड़ा खत होने की वजह से ये एक दायरा अजीम है ये ज़मीन के महवर से सतह पर जाविया कायमा पर होता है और इसकी कदर सिफर डिग्री है ख़त इस्तवा की लंबाई चालीस हजार अड़सठ आशारिया छः किलोमीटर है मजीद देखें एंटार्कटिक दायरा Equatorial climate. The region extending on both sides of the equator, that is, 10 degrees north to 10 degrees south latitudes, has this type of climate and it is characterized by constantly high temperature and high humidity throughout the year. Afternoon rains on a daily basis is a special feature. द मिड डे सन इज ओवरहेड और नियरली ओवरहेड ऑल द ईयर राउंड कॉजिंग ऑलमोस्ट इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट डेली पैटर्न ऑफ वेदर चेंज इज मच मोर रेगुलर देन एनी सीजनल रिदम विशुवतीय जलवायु विशुवत वृत्त के दोनों ओर विस्तृत क्षेत्र अर्थात 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है एवं पूरे वर्ष लगातार उच्च तापमान एवं उच्च आर्द्रता इसकी विशेषताएं होती हैं प्रतिदिन अपराहन में वर्षा का होना इसका एक विशिष्ट लक्षण है मध्यान्ह सूर्य सिर के ऊपर अथवा लगभग ऊपर होता है जिसके कारण दिन और रात सम अवधि बराबर के होते हैं यह मौसम में परिवर्तन का दैनिक प्रतिरूप ऋतुओं की अपेक्षा अधिक नियमित है इस्तवाई आबो हवा इस तरह की आबो हवा ख़त इस्तवा के दस डिग्री शुमाल, दस डिग्री जुनूब अजुल बलत तक पाई जाती है यह दर्जा हरारत पूरे साल ऊँचा रहता है और ऊँची रतूबत पाई जाती है रोज़ाना दोपहर बाद बारिश का होना खासोसफ़ है पूरे साल दोपहर के वक्त सूरज सर के ऊपर या सर के करीब रहता है जिससे दिन और रात की मुद्दत तकरीबन होती है मौसम की तब्दीली का योमिया किसी भी मौसमी उतार चढ़ाव के मुकाबले में ज्यादा हमवार रहता है पेज इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट द फॉरेस्ट ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन फाइव डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर इज कैरेक्टराइज बाय टॉल क्लोजली स्पेस ट्रीज विद बटरस रूट्स straight lower trunks with leathery leaves and their crowns forming continuous canopy the forest shows distinct layering of vegetation the canopy around 30 meter intermediate layer at 20 to 25 meter and the lower layer at around 10 to 15 meter trees are interlaced with liana woody vines trees are frequently covered with epiphytes Vegetation is luxuriant and wide varieties of species are found per unit area. The forest looks evergreen because all species do not shed leaves at the same time. Forest floor lacks humus in the soil because of very rapid bacterial growth. Vishuvatiya Van Vishuvatiya Pradesh Vishuvat vritt se 5 degree Uttar evam 5 degree Dakshan के वन की विशेषता ऊंचे जड़ वाले निकट अंतराल पर वृक्ष चरमिल पत्तियों के साथ सीधे नीचे तने कांड तथा उनके शिखर अनवरत वितान बनाते हैं ये वन पेड़ पौधों की भिन्न भिन्न परतें दर्शाते हैं तीस मीटर पर वितान बीस से पच्चीस मीटर पर मध्यवर्ती परत तथा दस से पंद्रह मीटर पर निचली परत वृक्ष कंठमाला जंगली बेले से अंतर्ग्रथित होते हैं प्रायः यहाँ प्रति क्षेत्र इकाई में बृहत प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं वन सदापरणी दिखते हैं क्योंकि सभी जातियाँ एक ही समय पर अपने पत्ते नहीं गिराती स्थल की मृदा में ह्यूमस का अभाव होता है क्योंकि वहाँ बहुत शीघ्र जीवाणुओं की वृद्धि होती है इस्तिवाई बारानी जंगल ट्रॉपिकी बारानी जंगल इस्तिवाही खत्ते ख़ते इस्तिवा के पांच डिग्री शुमाल और पाँच डिग्री जनूब के जंगल में खास तौर से लंबे घने गुथी हुई जड़ों वाले दरख्त पाए जाते हैं जिनके तने सीधे छोटे और पत्तियाँ मोटी होती हैं और इनके ऊपरी सिरों का मुस्तकिल छत्ता बना होता है इस जंगल में परतकारी का अमल नुमाया होता है छत्ता तकरीबन तीस मीटर दरमियानी परत 20 से 25 मीटर और निचली परत तकरीबन 5 से 10 मीटर की होती है दरख्तों पर जंगली बेलें लिपटी रहती हैं और वो अक्सर एक दूसरे एपिफाइड से ढके रहते हैं नबाता हरी भरी रहती हैं और फी यूनिट रकबे में मुख्तलिफ अकसाम की नबाता पाई जाती हैं ये जंगल इस वजह से सदाबहार नजर आता है कि तमाम पेड़ पौधों की पत्तियाँ एक ही वक्त में नहीं गिरती नबाती फर्श की मिट्टी में ह्यूमस का फकदान है क्योंकि बैक्टीरियाई नशो की रफ्तार बहुत तेज होती है इक्विनोक्स इट मीन्स इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स रिफर्स टू फिनम दैट द सन इज डायरेक्टली ओवर हेड द इक्वेटर कॉजिंग almost इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट throughout the world. वर्ल्ड सी revolution of ऑफ earth. विशुव इसका अर्थ है समान दिन और समान रातें यह उस परिघटना से संबंधित है जो एक वर्ष में दो बार होती है अर्थात 21 मार्च और 22 सितंबर को जब सूर्य विशुवत वृत्त के ठीक ऊपर होता है और इसके कारण सारे विश्व में दिन एवं रात की अवधि लगभग बराबर होती है देखें पृथ्वी का परिक्रमण नुकता एतदाल इसका मतलब है बराबर के दिन और बराबर की रातें इससे मुराद साल में दो बार 21 मार्च और 22 सितंबर को होने वाली कैफियत है जब सूरज रास्त खत इस्तेवा के बिल्कुल ऊपर आ जाता है जिससे पूरी दुनिया में रात और दिन तकरीबन बराबर होते हैं मजीद देखें जमीन की मदारी गर्देश। इरोजन द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ द अर्थ सर्फेस बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर विंड आइस एंड वेव्स अपर्दन विभिन्न कारकों जैसे प्रवाही जल पवन हिम एवं तरंगों द्वारा धरातल के अंश से निष्कासन की प्रक्रिया कटाव, सतह जमीन पर खुर्चे जाने का अमल जो मुख्तलिफ एजेंटों के जरिए होता है मसलन बहता हुआ पानी हवा ग्लेशियर और समंदरी लहरें एस्कापमेंट स्काप हाई स्टीप रॉक फेस ऑफ कंसिडरेबल साइज ब दि सराउंडिंग लैंड सर्फिस दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर में रिजॉल्ट ड्यू टू फॉल्टिंग ऑ डिफ्रेंशियल इोजन कगार एक बड़े आकार का ऊंचा खड़े ढाल वाला शैलमुख जो आसपास के भूपृष्ठ से ऊपर उठा होता है इस प्रकार की संरचना भ्रंश अथवा विशिष्ट अपर्दन का परिणाम हो सकती है कगार बड़े साइज की ऊंची सीधी चट्टान का सिरा जो इर्द गिर्द की मुस्तह जमीन से ऊपर निकला हो इस तरह का ढांचा फरसूदगी या मुतफरक कटाव के नतीजे में बन सकता है एश्चुरे द ब्रॉडर पार्ट ऑफ अ रिवर माउथ वेयर इट मीट्स द सी एंड इज अफेक्टेड बाय टाइड्स कॉजिंग इंटरमिक्सिंग ऑफ फ्रेश एंड सलाइन वाटर deposition of sediments continues if the amount brought up by the river is more than what is removed in narrow estuaries channels may be relatively clear of sediments due to tidal erosion ज्वारण्ड मुक नदी के मुहाने का वो चौड़ा भाग जहाँ वो समुद्र में मिलती है और ज्वार भाटों से प्रभावित होती है जिसके कारण अलवण एवं खारा जल आपस में मिलते हैं यदि नदी द्वारा लाई गई पदार्थों की मात्रा हटाई जाने वाली मात्रा से अधिक होती है तो अवसाद का निक्षेपण जारी रहता है संकीर्ण ज्वारंद मुखों में वाहिकाएं ज्वार अपर्दन के कारण अपेक्षाकृत अवसाद रहित हो जाती हैं मद्दो जजरी मुहाना दरिया के दहाने का वो वसीतर हिस्सा जहां वो समंदर से मिलता है और मद्दो जजर से मुतासिर होता है जिससे साफ और नमकीन पानी आपस में मिल जाते हैं हटाए जाने वाले मादों की मकदार से ज्यादा हों तो रसूबी मादों के जमा होने का अमल जारी रहता है तंग दहानों पर वाक़ रोदबारों में मद्दोजरी कटाव की वजह से रसूबी मादे नहीं पाए जाते पेज यूट्रोफिक न्यूट्रिएंट रिच वाटर विद हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इनिशियली इट इज एबल टू सपोर्ट अ लार्ज इक्वेटिक फ्लोरा एंड फोना बट लेटर दिस कैन लीड टू अ डिप्लीशन ऑफ द वॉटर्स ऑक्सीजन सप्लाय सुपोषी पोषक प्रचुर जल जिसमें उच्च प्राथमिक उत्पादकता हो प्रारंभ में ये बृहत जलीय वनस्पति जात एवं प्राणीजात का भरण पोषण करने के योग्य होता है किंतु बाद में इससे धीरे धीरे जल की ऑक्सीजन आपूर्ति में क्षीणता आ सकती है इब्तदाई नशो नुमा से भरपूर तगजिया आब शुरू में ये बड़े पैमाने पर आबी नबाता और हैवाना की मुआवनत करने के लायक होते हैं लेकिन बाद में पानी में ऑक्सीजन फराहमी में नुख्स पैदा कर सकते हैं यूट्रोफिकेशन the process of nutrient enrichment usually by nitrates and phosphates in aquatic ecosystem reducing the productivity of the system and stimulating the growth of algae it reduces the level of oxygen leading to death of fish suposhana poshak samriddhi ki prakriya जिसमें सामान्यतया जलीय पारितंत्र में नाइट्रेट एवं फॉस्फेट द्वारा तंत्र की उत्पादकता घट जाती है और शैवाल की वृद्धि में उद्दीपन होता है इससे जल में ऑक्सीजन का स्तर घट जाता है एवं मछलियों की मृत्यु हो जाती है तगजिया साज़ी का अमल आबी माहौलियाती निज़ाम में अमूमन नाइट्रेट और फॉस्फेट के जरिए तगजिया अमल की अफसूदगी होती है इससे पैदावारी सलाहियत में कमी आती है और काई की पैदावार काफी बढ़ने लगती है इससे ऑक्सीजन की सतह में कमी आती है और नतीजतन मछलियां मरने लगती है इवेपोरेशन द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड वाटर इज चेंज इन टू अगेसियस वेप फॉर्म वाष्पीकरण वह प्रक्रिया जिसमें द्रव जल गैसीय वाष्प रूप में परिवर्तित हो जाता है अमले तबखीर ऐसा अमल जिसमें सयाल पानी गैस आबी ब की शक्ल में तब्दील होता है इवेपो ट्रांसपिरेशन द लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द अर्थ सर्फिस बाय द ट्विन प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम वेजिटेशन वाष्पन वाष्पोत्सर्जन भूपृष्ठ से नमी का क्षय जो वाष्पन एवं वाष्पोत्सर्जन पेड़ पौधों से नमी का क्षय की दोनों एक साथ होने वाली प्रक्रियाओं से होता है तबखीरे अखराज बुखारात तबखीर और अखराज बुखारात के दोहरे अमल के तहत सतह जमीन से नमी की कमी नबातात से रतूबत का अखराज एवरग्रीन अ प्लांट विच रिटेन्स इट्स ग्रीन foliage थ्रू आउट year. अनलाइक अ डेसिडुस प्लांट शेड्स इट्स लीव्स सीजनली सदापर्णी वह पौधा जो वर्ष भर अपना हरित पर्ण समूह बनाए रखता है यह पर्णपाती पौधे के विपरीत है जो मौसम के अनुसार अपने पत्ते गिरा देता है सदाबहार वो पौधे जो अपनी सब्ज पत्तियों को साल भर कायम रखते हैं जबकि इसके बरखिलाफ पतझड़ के पौधे अपनी पत्तियां मौसम खास में गिरा देते हैं एक्सफोलिएशन, अ प्रोसेस इन विच द आउटर रॉक लेयर स्प्लिट्स ऑफ ड्यू टू मैकेनिकल एंड केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स इन एरिड एरियाज अपशल्कन, वह प्रक्रिया जिसमें शुष्क प्रदेशों में शैलों के यांत्रिक एवं रासायनिक अपर्दन के कारण बाह्य शैल परत विभक्त हो जाती हैं रेजी खुश्क इलाकों में चट्टानों की मैकेनिकी और कीमयाबी फरसूदगी की वजह से बाहरी चट्टानी परतों का चटख कर अलग हो जाने का अमल एक्सोजेनिक एक्सोजेनेटिक द एक्सटर्नल प्रोसेस डिनदेशन वर्किंग एट और नियर द अर्थ सर्फिस पेज फोर्टी थ्री बहिर्जेनिक बाह्य प्रक्रियाएं जो भूपृष्ठ पर अथवा उसके समीप अनाच्छादन कार्य करती हैं बरनमुई सतह जमीन पर या उसके नजदीक का खारिजी अमल एक्जोस्फियर द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फ़ेयर, अबव 700 हंड्रेड किलोमीटर विच इज वेरी थिन एंड गैसेज लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन एस्केप इन टू स्पेस बियॉन्ड दिस बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह 700 किलोमीटर से ऊपर जो बहुत पतली है एवं इसके पार गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन अंतरिक्ष में पलायन कर जाती हैं बालाई कुर्रा हवा की सबसे ऊपरी परत 700 किलोमीटर से ऊपर जो बहुत पतली होती है और उसके आगे हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसें खला में तहलील हो जाती हैं export goods and services sold to other countries niryat anya deshon ko beche gaye maal evam sevaye baramat dikar mamalik ko farokht ki jane wali ashya aur khidmat extensive agriculture an agricultural system in which farm sizes are large and inputs especially labor as well as yield per unit of area are low बट लार्ज टोटल ईल्ड एंड अ हाई ईल्ड पर मैन दिस इज यूजली हाईली मैकेनाइज विस्तृत कृषि एक कृषि व्यवस्था जिसमें फार्म का आकार बृहत् होता है एवं निवेश विशेषतया श्रम तथा उत्पाद प्रति इकाई क्षेत्र कम होता है किंतु कुल उत्पाद बृहत् तथा प्रति व्यक्ति उत्पाद, उत्पाद उच्च होता है सामान्यतया अत्यंत मशीनीकृत होती है वसी जरात ऐसा जरअी निज़ाम जिसमें खेतों का साइज बड़ा हो और मजमू लागत खसूसी तौर पर मजदूर और फी इकाई रकबे की पैदावार कम होती है लेकिन मजमू पैदावार फीकस पैदावार से ज्यादा होती है ये अमूमन इंतहाई मैकेनिकी होता है एक्सटेंसिव इरीगेशन स्ट्रैटेजी ऑफ प्रोवाइडिंग इरीगेशन वाटर फॉर अ लार्ज एरिया विद रिलेटिवली लो यूज ऑफ वाटर पर यूनिट एरिया विस्तृत सिंचाई एक बृहद क्षेत्र में सिंचाई जल प्रदान करने की एक युक्ति जहाँ जल का प्रति इकाई क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम उपयोग होता है वसी आबपाशी वसी इलाके में आबपाशी की ऐसी हिकमत अमली जिसमें फी इकाई रकबे पर निष्पतन कम पानी खर्च होता है एक्सटिंक्ट वोल्केनो अ वोल्केनो दैट हैड इरप्टेड इन द जियोलॉजिकल पास्ट इन एन एरिया वेयर देयर इज नो साइन ऑफ वोल्केनो एक्टिविटी निष्प्राय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी जिसमें भूवैज्ञानिक अतीत में उद्भेदन विस्फोट हुआ हो पर उस क्षेत्र में आज किसी ज्वालामुखी क्रिया का चिन्ह नहीं है मुर्दा आतिशफिशा ऐसा आतिशफिशा जो अर्जियात की तारीख में ऐसे इलाके में फूटा हो जहां आतिशफिशानी सरगर्मी के कोई आसार ना हो एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स रॉक्स फॉर्मड एज अ रिजल्ट ऑफ रैपिड कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन लावा थ्रोन आउट ड्यूरिंग अ इरप्शन ऑन द अर्थ सर्फस दीज रॉक्स आर फाइन क्रिस्टल्ड एंड ग्लासी एग्जाम्पल बिस ऑप्सीडियन बहिर्वेदी आग्नेय शैलें शैले जिनका निर्माण पिघले हुए लावा के शीघ्र ठंडे होने एवं जमने के कारण हुआ है जो धरातल पर ज्वालामुखी उद्भेदन के समय बाहर निकला था ये शैलें परिष्कृत रवेदार क्रिस्टलीय तथा कांच सदृश होती हैं उदाहरण के लिए बिसोल्ट ऑप्सीडियन बर नमोई आतिश फिशानी चट्टाने सतह जमीन पर आतिश फिशानी रसाव के दौरान निकलने वाले पिघले लावे का तेजी से ठंडा होना और ठोस शक्ल इख्तियार करना ये चट्टाने नफीस बिल्लोरी और चमकदार होती हैं मसलन बेसॉल्ट और ऑप्सीडियन आय सेंट्रल पार्ट ऑफ अ साइक्लोन वेयर द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज द लोवेस्ट विंड स्पीड इज लाइट एंड अ ब्रेक इन द मेन क्लाउड शीट्स अपीयर्स द डायामी ऑफ द आई वेरीज रीचिंग अप टू एट्टी किलोमीटर इन लार्ज स्टॉर्म्स द वेदर इन द आई इज ओप्रेसिव आफ्टर द स्ट्रांग विंड प्रडिंग इट द पीरियड ऑफ लल इज सून फॉलोड बाई इवन स्ट्रांगर विंड्स अक्षय चक्रवात का केंद्रीय भाग जहां वायुमंडलीय दाब निम्नतम होता है पवन की गति मंद तथा मुख्य मेघ परतों में अलगाव सा प्रतीत होता है अक्षी का व्यास भिन्न भिन्न होता है जो बृहत झंझावातों में 80 किलोमीटर तक पहुंच सकता है प्रबल पवनों के प्रारंभ होने के बाद अक्षी में मौसम उमसदार होता है ये शांत अवधिकाल शीघ्र ही और भी प्रबल पवनों द्वारा अनुसरण कर लिया जाता है चश्मे तूफान साइक्लोन का मरकजी हिस्सा जहाँ कुर्रे बाद का दबाव सबसे कम होता है हवा की रफ़्तार कम और बादलों की असल चादरों में टूटने के आसार नमूदार होते हैं चश्मे तूफान का कतर मुख्तलिफ होता है यहाँ तक कि बड़े तूफानों में ये 80 किलोमीटर तक पहुँच सकता है तेज़ हवा के शुरू होने के बाद चश्मे तूफान में मौसम घटन वाला होता है शदीद हवाओं के फौरन बाद खामोशी का वक्फा होता है लेटर ई ऑफ ट्रायलिंग डिक्शनरी ऑफ जोग्रफी फॉर स्कूल एंड रेड बाय नीरज यादव एंड सुम्बुल शकील यू एर जस्ट लिसनिंग टू दिस प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन राजेश निमेश सब्जेक्ट कोऑर्डिनेशन प्रोफेसर सविता सिन्हा प्रोजेक्ट एडवाइज डॉ भारती कौशिक टेक्निकल कोऑर्डिनेशन बटी लैंगलिंगडो framework advice ajit horo assistance in production kusum lata produced and directed by vandana arimardan and this presentation is brought to you by ciet ncert new delhi india